नमस्कार, मैं हूं अंजलि। डिजिटल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विटनरी विश्वविद्यालय फिर से भ्रष्टाचार की चपेट में आया। कुलपति नंदा के शासनकाल में हुई अवैध नियुक्तियां, लोकायुक्त ने दर्ज की FIR। भवरताल में स्थित सुदर्शन मोटर के वर्कशॉप में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। अग्निसैन्य दलों द्वारा आग पर पाया गया काबू। जेनेवा खंड द्वारा एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। पत्रकार वार्ता में कार्यकर्ताओं ने बताया कि दबंग उदय सिंह शत्रुघ्न सिंह लगातार कानून को अपने हाथों में ले रहे हैं। जेनेवा खंड के सदस्यों ने बताया कि लक्ष्मी पटेल नाम के युवक को दबंग उदय सिंह, शत्रुघ्न सिंह व अन्य चार पांच व्यक्तियों द्वारा जबरदस्ती गाड़ी में बैठा कर ले गए। तब से लेकर अभी तक लक्ष्मी पटेल का नंबर भी बंद जा रहा है। शासन व प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है और प्रशासन पुलिस इस बारे में मौन है। इसके पूर्व माननीय न्यायालय में एक जनहित याचिका आज भी लंबित है, जिसमें पाटन की हिरन नदी में अवैध रेत खनन को नियंत्रण करने के लिए कलेक्टर जबलपुर ने अपना एफिडेविट वहां पे सबमिट किया है और कहा कि हम किसी भी प्रकार के अवैध उत्खनन एवं रेत माफिया को किसी भी प्रकार का संरक्षण नहीं देंगे, मगर इसके बावजूद भी माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के उल्लंघन करते हुए जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन माइनिंग विभाग के संरक्षण में इस प्रकार से जो रेत माफिया है वो गुंडागर्दी के ऊपर उतारू है। इस संदर्भ में जो लक्ष्मी पटेल के परिजनों के द्वारा हमारे इस जिले के पूर्व मंत्री से, जिनके संरक्षण में ये रेत माफिया काम कर रहे हैं, जिनके निकटता में उनके द्वारा उनसे संपर्क किया गया, तो उनके द्वारा ये जवाब दिया गया कि अभी कहीं मजा कर रहा होगा, आज आएगा। इस प्रकार से ये पूर्व मंत्री के द्वारा गंभीर प्रकरण में इस प्रकार से मजाक किया जा रहा है और जो भू माफिया है, जो रेत माफिया है, उनको संरक्षण दिया जा रहा है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि डिजिटल भारत न्यूज हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय इंटरनेट ऑफ काली मंदिर मेन रोड सदर जबलपुर नाना इंफोटेक मल्टी ब्रांड लैपटॉप स्टोर यूनिक टावर नियर शास्त्री चौक जबलपुर लेडीज बाजार बाजार ब्यूटी पार्लर बड़ी उखरी तिराहा नीलगंज महादेव मंदिर के सामने विजयनगर रोड जबलपुर नेशनल अकेडमी फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग जबलपुर HIG 5 पुनीत नगर पावर हाउस के पास आधार दास जबलपुर लकी रेस्टोरेंट चौक से यात्री निवास मंडी मेन गेट के बाजू से विश्व बस मंडी दीनदयाल चौक विजयनगर सिंह से संपर्क किया, फोन किया, बोले भैया तहसीलदार और SDM ले जा रहे हैं, आप उनसे संपर्क करें। मैंने बोले फिर अपने कर्मचारी से बात की तो बोले भैया शत्रुघ्न सिंह गाड़ी में सामने बैठे हैं, मेरे को ले जा रहे हैं, उदयभान सिंह जी भी हैं। तो मैंने बोला कि उनसे बात कराओ, बात कराने में एक छोटी सी आवाज़ आई कि सर ज़्यादा हीरो बन रहा है। उसके बाद उसका नंबर बंद हो गया। नंबर बंद होने के बाद एक आध घंटे के बाद मैंने जब एक्टिव हुआ तो मैंने IG साहब से बात करी, मौखिक बात करी IG साहब से। मैंने बोला कि ऐसी ऐसी स्थिति है, तो IG साहब ने बोला कि आप जाके वहाँ एक लिखित शिकायत दे दें, उसके बाद जो भी होगा कार्रवाई होगी मैं SP को बोल देता हूँ। मैं थाने गया तो थाना प्रभारी थे नहीं, अपने SDOP साहब थे डॉक्टर रविंद साहब, उनने बोला कि मेरी बात हुई है उदय सिंह से और शत्रुघ्न सिंह से, तो उनका कहना है कि हम लोग ले जरूर गए थे उसको, लेकिन खदान में छूट गए और एक साजिश के तहत वो उदय सिंह के घर के बाजू में एक लड़का बोले उससे गवाह बना के उनसे बुलवाए कि जहाँ खदान में छोड़ के आए थे उदय भैया लोग, मैं वहाँ से ला के आपके चौकी तक छोड़ दिया हूँ। उसके बाद लगातार 4-5 बजे से आज तक हम लोग लगातार फोन लगा रहे हैं, पूरी जैसा पुलिस कहती है कि हम लोग साइबर लगे सब कुछ लगाए, लेकिन लक्ष्मी पटेल का कोई अता पता नहीं है। उसके बाद गुमसुदगी की एक मामूली सी धारा बना के गुमसुदगी दर्ज करके और SDOP साहब ने और TI साहब ने थाना पूर्ति कर दी। SP साहब से कल में लगातार में कई बार संपर्क करने की कोशिश की, SP साहब बोले कि डॉक्टर जब फोन उठा तो बोले कि डॉक्टर अरविंद जी को अपन ने वो कर दिया है और अरविंद जी देख रहे हैं, अरविंद जी से बात हुई तो बोले अभी कोई प्रकरण दर्ज नहीं, उच्च अधिकारियों का निर्देश मिलेगा तब प्रकरण दर्ज होगा। उसके बाद संबंधित अधिकारियों ने, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, संबंधित अधिकारियों ने मेरे को मोबाइल दिखाया कि ये बिश्नोई जी का मिस कॉल आ रहा है और ये मतलब कॉल आ रहा है, बहुत दबाव है भाई साहब, तो हम लोग बोले आप उनसे संपर्क करने शायद मिल जाए। तो उनके परिजनों मेरे उनके परिजन लगातार मेरे संपर्क में हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं,
तो मैंने बोला उनके परिजनों में कोई समझदार व्यक्ति हो तो आप बिश्नोई जी से बात कराओ, हमारे संबंधित उनके गांव के वाजपेयी जी उन्होंने बात करी, तो बिश्नोई जी का महज ये कहना कि मौज कर रहा है, दो दिन बाद आ जाएगा, तो मतलब उनको पूरे प्रकरण की जानकारी और उस बच्चे की भी जानकारी कि वो कहाँ पर है। नगर निगम में सदन बैठक आयोजित की गई जिसमें पक्ष एवं विपक्ष द्वारा आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। नगर निगम सदन में बैठक आयोजित की गई। बैठक में विपक्ष ने पक्ष पर कई आरोप लगाए। विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष राजेश सोनकर ने आरोप लगाया कि स्टैंड संचालक ने सिविक सेंटर पर विनय सक्सेना पूर्व नेता प्रतिपक्ष से जबरन वसूली की थी, जिसके खिलाफ नगर निगम ने कोई कार्यवाही नहीं की। पूरी वार्ड के जो फॉर्म भरे गए, एक पेन से किसी आदमी के व्यक्ति के साइन नहीं है। एक नेहा विश्वकर्मा है, नाम की लड़की है, उसका पता दिया हुआ है होम साइंस कॉलेज, उसका जो मोबाइल नंबर दिया गया डबल से गुंडे रात पर उतारू हो गए। इन अधिकारियों में कार्रवाई होना चाहिए माननीय अध्यक्ष महोदय। इस सदन से उस पार्किंग वाले पे, उस इंजीनियर पे तुरंत कार्रवाई होना चाहिए, उसके बाद सदन की कार्रवाई आगे बढ़ाया जाए। गरीबी रेखा के कार्ड में हो रही अनियमितताओं को लेकर बात कही। महोदय ने एक फर्जी तरीके से मैं ये चाहता हूँ जो लगातार पूरे जनप्रतिनिधियों की भागीदारी हो और उसके साथ साथ जो स्मार्ट सिटी के नाम पर जो फर्जीवाड़ा किया गया है, 1,60,000 लोग बताते हैं कि उनके पास जो सुझाव आए हैं उसके सुझावों को हम लोगों ने यहाँ गुजारा का विश्वविद्यालय एक बार फिर से विवादों में घिरा नजर आ रहा है। पूर्व कुलपति समेत 13 अध्यापकों के खिलाफ लोकायुक्त में FIR दर्ज की गई है। विटनरी विश्वविद्यालय जबलपुर के पूर्व कुलपति डॉक्टर AS नंदा समेत 13 प्राध्यापकों के खिलाफ लोकायुक्त ने धारा 15 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत FIR दर्ज की है। सभी पर वर्ष 2014-2015 में एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती में फर्जीवाड़े का आरोप है। विटनरी विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। राम संगठन ने बहुत पहले इस पे आवाज़ उठाई थी, जब आवाज़ उठाई थी पर हमारी मांगे नहीं मानी गई, पर देर सवेर हमारी जीत हुई। जैसे बोलते थे विटनरी कॉलेज में अवैध नियुक्तियां हो रही हैं। हमारे राम संगठन ने कई तरह के आंदोलन किए पर कई आंदोलनों को बड़े अधिकारियों ने दबा दिया गया और कुछ आंदोलन को मान लिया गया, पर ये फर्जी नियुक्तियाँ अभी भी जारी हैं। कुछ बड़े अधिकारी इन्हें दबाते जा रहे हैं और कुछ आंदोलन अभी भी चल रहे हैं। नंदा भी लुधियाना विटनरी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। सूत्रों का दावा है कि प्रदेश का यह पहला मामला है जब धारा 15 के तहत दर्ज की गई है। भवरताल स्थित सुदर्शन मोटर्स के वर्कशॉप में अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण अज्ञात है। भवरताल स्थित सुदर्शन मोटर्स के वर्कशॉप में आग लग गई। अग्निसैन्य दल के 3-4 वाहनों द्वारा तुरंत आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। आग लगने का कारण एक्सीडेंटल गाड़ियों में रिपेयरिंग के कार्य को बताया गया है। किस चीज़ का शोरूम है ये? ये हीरो का। तो कितनी गाड़ियाँ रखी थी ऊपर, कहाँ जा रहा है? नहीं, ये सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर में किस तरह का काम होता है? गाड़ी की सर्विस सेंटर। कितनी गाड़ियाँ होंगी? आज सर्विस सेंटर बंद था, इसलिए कोई गाड़ी नहीं, तो इसीलिए कोई ग्राहक नहीं था, कोई कस्टमर नहीं था, तो चीज़ें जल्दी अंडर कंट्रोल इसलिए आ गई। नाम आग लगी हुई थी तो एक्सीडेंटल वाहन थी, तत्काल मौके पर पहुँच कर आग पर काबू पाया। क्या समझ में कुछ नहीं आया, ये है कि उसमें जो एक्सीडेंटल वाहन रहते हैं वो वहाँ रिपेयर होते हैं। शहर के युवा शहर को स्वच्छ बनाने में सक्रिय नजर आ रहे हैं, जिसका नजारा देखने को मिला सिविक सेंटर के JDA पार्क में। साफ सुथरा ये फुटपाथ, सुंदर सुंदर चलचित्र, ये नजारा है शहर के मध्य स्थित सिविक सेंटर का। हितकारिणी आर्किटेक्चर कॉलेज के छात्रों ने इस फुटपाथ की तस्वीर बदल कर रख दी है। छात्रों का कहना है कि नगर निगम द्वारा उन्हें 25,000 की राशि इस फुटपाथ को सुंदर बनाने के लिए दी गई है और लगातार वे इसे सुंदर बनाने में लगे हुए हैं। हम लोग यहाँ पे फुटपाथ को रेनोवेट करते हैं। पहले यहाँ पे आप लोगों को पता होगा यहाँ कितना खतरा करते हैं, तो एक भी चीज़ का अलग जगह ही नहीं थी, मतलब फुटपाथ में चीज़ का अलग से रखी थी। यहाँ पर रेड रूम सर है, बोर्ड लगे, अगर यहाँ पे शॉप लगे
तो मैंने उसकी पप्पा उसको ऑर्डर किया, रेनोवेट करते हैं, क्लीन करते हैं, मैंने उसको कलर लाइक कराते हैं, उसके बाद उसको मैसेज भी देख सकते हैं, पेंटिंग कर रही है, उसमें मैसेज आ रहे हैं गलती में, उसकी अवेयरनेस की कहीं भी देखते हैं लॉक कर दिया है। अब हम इस लोगों से अब ये उम्मीद करते हैं कि अब वो यहाँ पे कचरा ना फेंके और इसे यूज़ करें, एंड यहाँ पे नहीं इनफैक्ट कहीं भी कचरा ना फेंके और डस्टबिन। नेता प्रतिपक्ष राजेश सोनकर को ज्ञापन सौंपा, ज्ञापन में नगर निगम द्वारा की गई कार्यवाही को अवैध बताया गया। खोबा व्यापारियों द्वारा नेता प्रतिपक्ष राजेश सोनकर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के दौरान खोबा व्यापारियों ने बताया कि नगर निगम द्वारा जिस प्रकार से दुकानों में कार्यवाही की गई है वह प्रताड़ना से कम नहीं है। कल उनके यहाँ जो नगर निगम द्वारा छापामारी के नाम पे लूटपाट की गई है उसके विरोध में आज सारे व्यापारी जो है वो चैम्बर के माध्यम से यहाँ इकट्ठे हैं। अब नगर निगम के सामने अपना ज्ञापन देने और विरोध प्रस्तुत करने आए। हम व्यापारी जो सदियों से पीढ़ियों से अपने समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, अपना व्यवसाय करते हैं, हम लोगों के साथ चारा अपने जिस तरीके से चरस और अफीम और के अपराधी जो होते हैं उस तरीके की हरकतें एक मजिस्ट्रेट को सामने करके, मैं तो नहीं समझता कि हिंदुस्तान में ऐसा कौन सा कानून है कि मजिस्ट्रेट साहब को 100 लोगों को और 50 लोगों को लेकर के साथ जाना पड़ेगा और वो भी जांच करने के लिए। अरे उनके सामने जब निर्णय के लिए कोई चीज़ आएगी वो निर्णय करें, उनका काम है, वो मजिस्ट्रेट है। मगर इस तरीके की जो कार्रवाई, ये दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई, ये लूटपाट जो की गई है, इसका हम लोग खुल करके विरोध कर रहे हैं। अगर उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई तो हम इस त्यौहार के टाइम पर जो भी हमारा आंदोलन होगा वो बहुत तीव्र आंदोलन हम करेंगे।